पीने रुके प्याज उत्पादक किसान के 18 लाख रुपए कैश चोरी हो गए। जब पुणे जिले के कुछ किसान बेलगाम में प्याज बेचकर अपने गांव लौट रहे थे तो वे एक टेम्पो में यात्रा कर रहे थे। प्रातःकाल जिला सतारा में चाय के लिए रुके। उस वक्त कुछ लोग चाय पीने के लिए कार से उतरे और कुछ लोग कार में सो रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात चोर ने टेम्पो से रुपयों वाली चूड़ी चोरी कर ली और फरार हो गया। चोरी किए गए बैग में कुल 18,60,000 रुपए थे। यात्रा के दौरान जब किसान को बैग चोरी के बारे में पता चला तो वह सतारा सिटी पुलिस स्टेशन आया और चोरी की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक सतारा सिटी पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही उप पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती आंचल दलाल, उप पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी एसओ किरण कुमार सूर्यवंशी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप के मार्गदर्शन और सुझाव के अनुसार तुरंत सतारा शहर पुलिस स्टेशन की अपराध पता लगाने वाली टीम ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और प्रथम जांच अधिकारी के रूप में उस टेम्पो चालक को हिरासत में लिया गया। उस वक्त उसने पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के असंगत जवाब दिए और पुलिस को उसके खिलाफ संदेह हो गया। उससे और अधिक कुशलता से पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य दो साथियों को गाड़गे फाटा बुलाया और वह चोरी की बैग उनके पास दे दी। जैसे ही पुलिस को और दो युवक इसमें शामिल है जानकारी मिलते ही अन्य दो युवकों की तलाश के लिए एक टीम दौड़ तालुका गई और छापा मारा। स्थान पर जाकर इस अपराध में दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो बताया कि उसने ही चोरी की है। उनके पास से चोरी की गई इस रकम में से 17,99,040 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। इस अपराध के मुजरिम को गिरफ्तार करते ही संबंधित किसानों ने सतारा पुलिस बल को बधाई दी है तथा पुलिस द्वारा तत्काल चोरी करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर चोरी की रकम बरामद करने पर संतोष व्यक्त किया है। किसानों की बड़ी मात्रा में लूट हुई थी, इसमें आपने जो इसकी रकम है कोशिश करके दिलवाई दी। कुछ किसान पूरे जिले से थे, उनका तांबे का जो भी प्रोडक्शन था वो सेल करने के लिए बेलगांव चले गए थे और आते वक्त जो उनको कैश मिली थी वो सेल करने के बाद लगभग 18,60,000 का कैश था। वो उनके सपने बैग में था। वो आने के बाद में बीच में रास्ते में वाड़े फटा में वो चाय पीने के लिए उतरे थे। उसी समय रात का अंधेरे का फायदा लेकर जो आरोपी थे उन्होंने उनका बैग उठाकर भाग गए थे और उनको बाद में पता चला कि उनका पैसे का बैग लापता है। उसके बाद में वो सतारा पुलिस स्टेशन आए, उनका कंप्लेंट रजिस्टर किया और इतना बड़ा अमाउंट था इसलिए पूरी जगताप साहब ने डीबी टीम को काम पे लगाया और डीबी टीम ने भी बहुत अच्छे तरीके से तपास करके जो भी आरोपी है उनको निष्पन्न किया। उनको टीम भेज कर दौंड से उनको गिरफ्तार किया और उनके पास में से ये अमाउंट लगभग 18 लाख रुपये रिकॉर्ड किया। जल्दी वो अगली प्रोसीजर करके हमको किसानों को उनका पैसा लौटा दिया। इस जो किसानों के कम अपने बरामद किए हैं इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किया इसमें कौन सी धारा लगाई है? इसमें 379 की धारा लगाई गई। अभी पुलिस वगैरह क्या? अभी वो पुलिस कस्टडी में है। तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए और पुलिस कस्टडी में, उनके पास से हमने 18 लाख रुपए रिकॉर्ड किए। आगे का तपास चालू। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।